हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा विद मिराकल में। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाला है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। मतलब पिछले क्लास में आपको सॉलिड स्टेट चल रहा था, सॉलिड स्टेट का जो चल रहा था वो तो चलेगा, लेकिन ये जो वीडियो आपको चल रहा है, ये जो लाइव क्लास चल रहा है, ये आपके स्पेशल के लिए यानी कि इंस्टीट्यूट के लिए है। अभी स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉलिड स्टेट चलेगा तो चलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में हमारा जो है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर एंड हो गया है और मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो इसका नाम का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको पता ही है कि चारों तरफ कोरोना वायरस का आतंक फैल चुका है, जिसके कारण सभी विद्यालय कॉलेज सब कुछ बंद हो चुके हैं। तो यानी कि क्लास इंस्टीट्यूट में क्लास नहीं चल पाने के कारण मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला था, चैप्टर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वह चैप्टर जो है लाइव क्लास में चल रहा है, जो इंस्टीट्यूट के बच्चे इसको घर पर बैठे ही पढ़ सकते हैं। तो उसको आप चिंता ना करिए, आपको सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का चैप्टर आपको बहुत जल्दी रिकवर करा देंगे, लेकिन अब तक थोड़ा मेहनत कीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्द जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर एंड कर लूँ और आप भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, आप जहाँ से मिल रहा है आप वहाँ से स्टडी कीजिए, लेकिन सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन का जो चैप्टर जो आपको चल रहा है वो आपको साथ में चलेगा, यानी दोनों चलेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दोनों चल रहा है, जिससे जाते इंस्टीट्यूट का कोर्स भी कंप्लीट होते जाएगा और आपके चैनल पर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं इसी तरह का डेली वीडियो, डेली क्लास आपको केमिस्ट्री से 12 का चलता रहता है, जो आपको बेस्ट कंसेप्ट के साथ मिलेगा। तो आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, यानी कि क्लास 12 का थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम जान लें कि वैद्युत रसायन यानी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर लिखा ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत और केमिस्ट्री मतलब क्या है, रसायन, यानी कि वैसा रसायन जिसके अंतर्गत विद्युत और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि वैद्युत रसायन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, विद्युत, और रासायन का मतलब है केमिस्ट्री, ठीक है। यानी यह रसायन विज्ञान की क्या है, एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत विद्युत और रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, यानी कि इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रो के माध्यम से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, तो उसके बारे में संबंध में उससे संबंधित जो स्टडी किया जाता है उसका नाम क्या है, रासायनिक, यानी कि सॉरी यहाँ पर वैद्युत रसायन। तो क्या कहेंगे कि विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह एक शाखा है, जिसके अंतर्गत विद्युत और उनके होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं, अगर कॉपी करना हो तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ हो गया कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ कि एक ऐसा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक के माध्यम से उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है, उससे संबंधित जो उसके रिलेशन से संबंध जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। यह क्या है, एक ब्रांच है रसायन विज्ञान की, ठीक है। अब जो है इसके दो क्षेत्र आते हैं, यानी कि विद्युत रसायन में दो तरह से अध्ययन किया जाता है, इसके दो क्षेत्र होते हैं, इसके दो क्षेत्र हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे उसके दो क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है आपका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और एक है विद्युत रासायनिक सेल। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यह है विद्युत अपघटनी चालन, या विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालन यानी कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कंडक्शन, यह इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टडी किया जाता है उसके दो एरिया में, दो क्षेत्रों का किया जाता है, जिसमें एक का नाम क्या है विद्युत अपघटनी चालन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और दूसरा क्या है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि वैद्युत जो केमिस्ट्री है उसको दो तरह से अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो एक एक करके बताएंगे कि विद्युत अपघटनी चालन क्या है और विद्युत रासायनिक सेल क्या है। इसके पहले कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिसको हमको जान लेना जरूर है, तब यह जो टॉपिक जो है हमको लिखा हुआ समझ में आसान से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना उस टॉपिक के माध्यम से इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को पहले हम स्टडी कर लेते हैं, तब इसके बाद में इसको पैटर्न पकड़ को इसको टच करेंगे, जो आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट देगा। तो यानी कि ये हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने स्टडी होते हैं, कितने एरिया होते हैं, ये आपको पता हो गया। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह का क्लास का लाइव क्लास जो आपको डेली आपको मिलते रहेगा। चलिए इसके पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हम जान जाए कि चालक क्या है, चालक क्या है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर या विद्युत चालक, विद्युत चालक, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं। आप तो पढ़े ही होंगे कि कंडक्टर वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट आसानी तरह से क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। कंडक्टर वैसे चालक पदार्थ होते हैं, यानी वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यानी कि कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसे इलेक्ट्रिक करंट जो है एकदम सिंपल वे में, यानी कि एकदम इजी वे में क्या होता है, फॉलो करता है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर, उस चालक के अंदर, उस पदार्थ के अंदर पूरा तरह से इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो करता है, जिसका नाम क्या है, चालक। और चालक में बहुत से पदार्थ आते हैं, जिसमें धात्विक चालक भी आ सकते हैं, जितने भी धातु हैं सब क्या है, इलेक्ट्रिक के गुण कंडक्टर है। और जितने भी गलित अवस्था में जो आपको पदार्थ होते हैं, जैसे अम्ल, क्षार, लवण, ये सब क्या है, ये भी गुण कंडक्टर है। तो इसको भी दो पार्ट्स में बताया गया है, चालक को दो पार्ट्स में बताया गया है, जिसमें पहला पार्ट्स का नाम क्या है, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। चालक को दो भागों में बांटा गया है,
चालक को दो भागों में बांटा गया है। चालक को दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला नाम क्या है, पहला है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा में है आपका विद्युत अपघटनी चालक ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी कि चालक के दो क्षेत्र हो गए, यानी चालक को दो भागों में बांट दिया गया है जिसमें पहला क्या है धात्विक चालक, मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है, एक मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विद्युत अपघटनी चालक, दो तरह के चालक हो गए। तो ये जो है धात्विक चालक इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, धात्विक चालक इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, तो धात्विक चालक इलेक्ट्रॉनिक चालक ऐसे चालक होते हैं जिनसे विद्युत धारा जो है बिना रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होता है, यानी कि ऐसे चालक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, जिसमें कोई रासायनिक चेंजिंग रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, केमिकल चेंजिंग नहीं होता है, यानी बिना केमिकल चेंजिंग के उनके अंदर बिना रासायनिक परिवर्तन के सीधे तरह से धारा का ऐसा फ्लो करता है, जिसका नाम क्या है धात्विक चालक। और धात्विक चालक के मेन प्रॉपर्टी क्या है, धात्विक चालक में यानी कि धातु में चालक का कंडक्टर कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि धात्विक चालक जो भी होते हैं तो धात्विक चालक में जो भी होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट का मुख्य रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। तो क्या कहते हैं धात्विक चालक क्या है, चलिए डिस्क्राइब करते हैं। क्या करें धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक का मतलब क्या हुआ कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना रासायनिक परिवर्तन के, बिना रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं धात्विक चालक कहते हैं, उसे धात्विक चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे धातु है, जितना धातु है और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी मिलकर क्या है चालक है, ठीक है, यानी कि धात्विक चालक का मतलब क्या हुआ कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, मतलब कि धातु है लेकिन इसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो बिना केमिकल रिएक्शन के चेंजिंग हुए उनमें धारा जो है आसानी से प्रवाहित होता है, आसानी से फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम क्या है धात्विक चालक। और धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि धातु जो चालक का गुण प्रदर्शित करता है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के कारण अपना गुण दिखाता है, इसलिए धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा रासायनिक परिवर्तन के, बिना रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, उसे धात्विक चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी धातु है सब धात्विक चालक है, और ग्रेफाइट जो है आपका अधातु है लेकिन वह धातु का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ग्रेफाइट भी क्या है धात्विक चालक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत अपघटनी चालक,
विद्युत अपघटने चालक, विद्युत अपघटने चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है विद्युत अपघटनी चालक, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक से उसको डिकम्पोज किया जाएगा, अपघटन मतलब उसको तोड़ा जाएगा, मतलब टूटे हुआ अवस्था में तब वह चालक का गुण प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है विद्युत अपघटनी चालक। यानी कि वैसे पदार्थ जो इसमें चालक का गुण कब आता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या उसके गलित अवस्था में अगर हो तो उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, मतलब रासायनिक चेंजिंग के कारण वह चालक का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए उसका नाम क्या है विद्युत अपघटने चालक, विद्युत अपघटने चालक। इसलिए बोला है कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत चालक इनके गलित अवस्था में या इनके जलीय विलय में रासायनिक वियोजन के बाद, गलित अवस्था मैंने मोल्टेड स्टेट में हो या जलीय विलयन हो, कोई एक्वस सॉल्यूशन हो, उसमें जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पास कराते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पास करते हैं, तो उनको वियोजन होता है, टूटता है, तो टूटने के बाद वह उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है जिसको हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। चलिए लिखा हुआ देख लेते हैं, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत चालन, जिसमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में, इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के बाद, रासायनिक वियोजन के बाद अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो गया लवणों का जलीय विलयन, जैसे में लवणों का जलीय विलयन अम्लों या क्षारकों का जलीय विलयन, ठीक है, यानी यहां पर बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी चालक वैसे चालन होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का चालन मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगा, जब उनके गलित अवस्था या जलीय विलयन में टूटने के बाद, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के टूटने के बाद वह चालन का चालकता प्रदर्शित करते हैं, चालक का गुण आता है, इसलिए उसका नाम क्या है विद्युत अपघटने चालक, मतलब कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से पहले टूटेंगे, टूटने के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से वह क्या करेंगे चालक का गुण प्रदर्शित करेंगे, इसलिए उसका नाम क्या है विद्युत अपघटने चालक। अगर नहीं पता तो इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में है लवणों का जलीय विलयन, लवण का मतलब जितने भी लवण होते हैं उनके जलीय विलयन, तो लवण को जब जलीय विलयन करेंगे तो वे टूटेंगे और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उनका जलीय विलयन भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसलिए इसका नाम क्या है विद्युत अपघटनी चालक।
देखिए अब यहां पर है, जैसे अगर सोडियम का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो तो उसको तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस आएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रिक प्रवाहित होगा। जैसे H2SO4 है, ये जलीय विलयन है, या गलित अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो तो इलेक्ट्रिक पास किया जाएगा तो 2H प्लस बनाएगा और SO4 2 माइनस बनाएगा, ठीक है। यानी कि टूटता है, सबसे पहले क्या होगा कि उनका मोल्टेड स्टेट हो, या मोल्टेड स्टेट हो या क्या होगा जलीय विलयन होगा, तो उससे विद्युत धारा, पहले रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होने के बाद उनका जलीय विलयन या उनका गलित अवस्था जो पदार्थ होगा उसमें क्या होगा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी चालक का गुण प्रदर्शित करेगा, इसलिए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ और भी पदार्थ होते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दो तरह के पदार्थ और होते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और एक को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, विद्युत अपघट्य, नाम ही है विद्युत अपघट्य, मतलब कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से उनमें अपघटन की क्रिया होगी, इलेक्ट्रिक के माध्यम से उनमें अपघटन की क्रिया होगी, तो इस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य, यानी कि वैसे पदार्थ जो गलित अवस्था जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का चालन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो गलित अवस्था, गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं तो मैंने अभी बताया, जैसे NaCl, H2SO4, HCl, NaOH, ठीक है, CaOH2, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या है कि वैसे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मोल्टेड स्टेट में हो, मोल्टेड, मोल्टेड मतलब गलित अवस्था, मोल्टेड स्टेट में हो या जलीय विलयन मतलब जल में हो, तो उसमें अगर हम क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, यानी कि विद्युत चालन का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा उसमें जाती है, गलित अवस्था में हो या जलीय अवस्था में हो, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक का गुण प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रिक का गुण दिखाएगा, उस तरह का पदार्थ का नाम क्या है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि मोल्टेड स्टेट में हो या जलीय विलयन में हो, इसमें विद्युत धारा जाएगी, विद्युत धारा का फ्लो करेगा
तो चालकता का गुण आया, इसलिए इसका नाम क्या है, वित्त अपघट्य। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का गुण प्रदर्शित होता है, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ। तो इसको क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या क्या आ जाएगा, जैसे एल्कोहल है, C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल है, चीनी है, यूरिया है, ठीक है। यानी कि विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। अपघट्य इसका नाम इसलिए है कि इलेक्ट्रोलाइट का गुण प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि गलित अवस्था या किस अवस्था में जलीय विलयन विद्युत का धारण नहीं करते। जैसे यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल आयन में नहीं टूटता है, ठीक है, चीनी है, यूरिया है, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। ये गलित अवस्था में हो या ये जिनका जलीय विलयन हो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा का फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा इतना ही तक, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ओम का लॉ, ओम का नियम। तो इस क्लास तक अभी इतना ही हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे ओम का नियम और उसके संबंधित आपको चालकता, मूला चालकता, विद्युत चालकता, इस तरह के टॉपिक को लेके आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, उनका स्टडी रुक न जाए, इसलिए इसको बरकरार रखने के लिए, क्लास को लाइव करने के लिए, इसलिए यह टॉपिक आपको बनाया जा रहा है, आपको क्लास चल रहा है, जो आपको कोरोना वायरस का आतंक है, जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज सभी क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, जिसके लिए यह अलग से क्लास चल रहा है। तो आप घर बैठे इसको स्टडी करें, अच्छे तरह से पढ़ें और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी भी करते जाइएगा, ताकि कभी भूल जाए तो आप उसको देख लेंगे। थैंक्स माई वॉचिंग वीडियो, बेस्ट लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।